सो गाइस, अगर आपको एक लेटेस्ट फ्लेक्सिप स्मार्टफोन लेना है जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ हो, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30,000 वाले 5 सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन जो आपको तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ मिल जाते हैं। दोस्तों, जो भी स्पेक्स आपने थंबनेल पर देखे हैं, वो सारे के सारे स्पेक्स आपको इन सभी फोन के अंदर मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको 12 GB की बड़ी रैम मिलेगी, वो भी 256 GB स्टोरेज के साथ, और 80W का सुपर फास्ट चार्जर मिलेगा। फ्लेक्सिप लेवल का तगड़े वाला OIS कैमरा सेटअप मिलेगा और स्मूथ गेमिंग के लिए 144Hz का हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड हाई क्वालिटी सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। तो ये सब तगड़े तगड़े फीचर्स आपको इन सभी फोन के अंदर मिलने वाले हैं। और यार, एक बात और, वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि किन स्मार्टफोन को आप लोगों को परचेज करने से अवॉइड करना है। तो चलिए भाई, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप भी देरी मत करो, अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा देना। सबसे पहले बात करते हैं सबसे न्यू एंड सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन के बारे में, और ये वाला फोन सिर्फ उन यूजर्स के लिए है जो पहले से OnePlus के यूजर हैं या फिर OnePlus फैन हैं। तो तब आप लोग OnePlus Nord 2T को परचेज कर सकते हो। भाई, इस पूरी लिस्ट के अंदर ये सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन है, और अगर आपको एक नया नवेला स्मार्टफोन लेना है तब आप लोग इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। इसमें 6.4 इंच की फुल HD+ वाली एमोलेड डिस्प्ले लगी है। इसकी डिस्प्ले में 90Hz का रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास 5 की डिस्प्ले प्रोटेक्शन है एंड इसकी डिस्प्ले HDR10+ को सपोर्ट करती है। भाई, डिस्प्ले की क्वालिटी तो अच्छी है, बट स्मूथनेस आपको थोड़ी हल्की फुल्की देखने को मिलेगी, क्योंकि इस प्राइस रेंज में 120Hz वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले आने लगी है, बट यहाँ पर आपको ओनली 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो इसमें Dimensity 1300 का चिपसेट लगा है, और इस स्मार्टफोन से आप COD को हाई टू हाई सेटिंग्स में एंड PUBG न्यू स्टेट को मीडियम टू हाई सेटिंग्स में खेल पाओगे। गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको काफी लाजवाब मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्यारे से कैमरा की, तो इसके बैक में 50MP का OIS वाला मेन कैमरा लगा है, जिसमें सोनी IMX766 का सेंसर लगा है। इस टाइम पर यह काफी पॉपुलर सेंसर है, और बाकी 8 और 2 MP के दो कैमरे हैं, और फ्रंट में आपको 32MP की सेल्फी मिलेगी। इसके बैक कैमरे से आप 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे, वो भी 30 FPS पर। कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन काफी अच्छा परफॉर्म करता है। इसके क्लिक हुए फोटोज में आपको काफी अच्छी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो 4500mAh की बैटरी है, बट बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर आपको 80W का सुपर फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अब बात करें फीचर्स की, तो इसमें आपको डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट मिलेगा, यानी कि मेमोरी कार्ड इसमें आप नहीं लगा सकते। अलर्ट स्लाइडर है, और इसमें स्टूडियो स्पीकर्स लगे हैं, और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर आता है। सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, और इसमें 3.5mm का जैक नहीं है। बात करें प्राइस की, तो इसके 8128 के लिए आपको पूरे 29,000 रुपए देने पड़ेंगे, एंड 5 जुलाई को इस स्मार्टफोन की फर्स्ट सेल है, तो 5 जुलाई को आप लोग Amazon से इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, तो गाइस, अगर आप लोग Samsung लवर हो या फिर आप लोगों को एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेना है, तो फिर आप Samsung M53 को छोड़कर A52s की तरफ जा सकते हो। इसका 8GB रैम वाला वेरियंट आपको Amazon पर 29,500 में पड़ जाएगा, तो 30,000 के प्राइस तक मुझे ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी लगता है, बट 30,000 से ऊपर आप लोग इस स्मार्टफोन के लिए एक भी पैसा खर्च मत करना। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में, तो इसमें 6.5 इंच की फुल HD+ वाली 120Hz वाली एमोलेड डिस्प्ले लगी है एंड इसकी डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 5 की डिस्प्ले प्रोटेक्शन है। गाइस, डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है एंड कोई भी डिस्प्ले इशू यहां पर आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो इसमें स्नैपड्रैगन 778G का फ्लेक्सिप चिपसेट लगा है, जो परफॉर्मेंस आपको अच्छी निकाल कर देता है, और ये स्मार्टफोन टोटल 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्यारे से कैमरा की, तो इसके बैक में 64MP का OIS वाला कैमरा है, बाकी 12MP, 5MP और 5MP के तीन कैमरे हैं, तो टोटल क्वाड कैमरे का सेटअप इसके बैक में लगा है, और फ्रंट में आपको 32MP की सेल्फी मिलेगी। इसके दोनों कैमरों से आप 4K वीडियोस को 30 FPS पर रिकॉर्ड कर पाओगे। कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन काफी अच्छा परफॉर्म करता है, फोटोज इसके दोनों कैमरों से काफी अच्छे आते हैं, बट जब आप लोग इसके बैक कैमरे से OIS में वीडियो को रिकॉर्ड करोगे, तो स्टेबिलिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो 4500mAh की बैटरी है, बट बुरी बात यह है कि 15W का छोटा चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, पर यार ये स्मार्टफोन 25W को सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, IP67 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है एंड इसमें 3.5
5mm का जैक है। तो कुल मिलाकर अगर आप लोगों को सैमसंग का स्मार्टफोन लेना है 30,000 के बजट में, तो मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन लेना एक सही ऑप्शन रहेगा। अब बात करते हैं अगले स्मार्टफोन के बारे में। तो अगर आपको 12GB की रैम वाला एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन लेना है, तो तब आप लोग पोको F4 5G को चेकआउट कर सकते हो। फ्लिपकार्ट के ऊपर इसके 12256 वाला वेरिएंट आपको कार्ड वगैरह अप्लाई करने के बाद पूरे 30,000 में मिल जाएगा। और आई थिंक 30,000 के प्राइस में 12GB की रैम का होना अपने आप में काफी बड़ी बात है। इस स्मार्टफोन के अंदर 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली E4 AMOLED डिस्प्ले लगी है, जिसमें 120 हर्ट्ज का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है और 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। गोरिल्ला ग्लास 5 की डिस्प्ले प्रोटेक्शन भी इसमें आपको मिल जाती है और इसकी डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट है। भाई डिस्प्ले इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बिल्कुल टॉप नोच मिल जाती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो इसमें स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट लगा है, जो 7nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और ये प्रोसेसर काफी स्टेबल प्रोसेसर है और इसमें आपको गेमिंग के टाइम पर काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन से आप पबजी न्यू स्टेट को 90fps पर खेल पाओगे। परफॉर्मेंस के बाद अब कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो इसके बैक में 64MP का OIS वाला मेन कैमरा लगा है और 8 और 2 MP के बाकी दो कैमरे हैं और फ्रंट में आपको 20MP की सेल्फी मिलेगी। इसके बैक से आप 4K वीडियोस को 60fps पर रिकॉर्ड कर पाओगे और फ्रंट से आप ओनली 1080p वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। इसकी कैमरा ऐप के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। 4500mAh की बैटरी है और 67W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। सो गाइस, अब वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले स्मार्टफोन के बारे में। तो अगर आप लोगों को पतला और हल्का स्मार्टफोन चाहिए, तो तब आप लोग मोटो एज 30 की तरफ जा सकते हो। ये वर्ल्ड का सबसे पतला 5G स्मार्टफोन है और इंडिया का सबसे हल्का 5G स्मार्टफोन। डिजाइन के साथ साथ डिस्प्ले भी इस फोन की काफी ब्यूटीफुल है। 6.5 इंच की POLED 144 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले इस स्मार्टफोन के अंदर लगी है। गोरिल्ला ग्लास 3 की डिस्प्ले प्रोटेक्शन है और HDR 10 प्लस को इसकी डिस्प्ले सपोर्ट करती है। भाई एकदम फ्लेक्सिप लेवल का एक्सपीरियंस इसकी डिस्प्ले में आपको मिल जाएगा। डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन बिल्कुल तगड़ा है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की। तो इसमें स्नैपड्रैगन 778 प्लस का चिपसेट लगा है, जो परफॉर्मेंस वाइज काफी पावरफुल चिपसेट है और ये स्मार्टफोन टोटल 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्यारे से कैमरा के बारे में। तो इसके बैक में 50MP का मेन कैमरा है, जिसमें OIS है और 50MP का अल्ट्रावाइड और बाकी 2MP का कैमरा लगा है और फ्रंट में आपको 32MP की सेल्फी मिलेगी। इसके दोनों कैमरों से आप 4K वीडियोस को 30fps पर रिकॉर्ड कर पाओगे। कैमरा इस स्मार्टफोन का एवरेज है। एवरेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके क्लिक हुए फोटोज थोड़े रेड आते हैं, तो इस वजह से इसके कैमरे को थोड़े इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी कैमरा सेटअप इज वेल गुड। इसमें आपको सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। इसमें आपको नैनो सिम कार्ड स्लॉट मिलेगा, यानी कि मेमोरी कार्ड यहाँ पर आप नहीं लगा पाओगे। और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगे। यहाँ पर थिंकशील्ड की एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी है और ये स्मार्टफोन आपको स्टॉक एंड्रॉइड का क्लीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा। 4020mAh की बैटरी है और 33W चार्जिंग के लिए आपको डिब्बे में मिल जाएगा। अब बात करें इस स्मार्टफोन के रैम स्टोरेज की। तो इसके 8/128 के लिए आपको पूरे 30,000 रुपए देने पड़ेंगे। चलिए गाइस, अब वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 1 स्मार्टफोन के बारे में। सो गाइस, अगर आप लोगों को एक गेमिंग स्मार्टफोन लेना है या फिर एक परफेक्ट स्मार्टफोन लेना है 30,000 के बजट में, तब आप लोग iQOO Neo 6 को परचेज कर सकते हो। ये iQOO की तरफ से iQOO का सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन है। इसके अंदर 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली E4 AMOLED डिस्प्ले लगी है, जिसमें 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है और 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। और इसकी डिस्प्ले में 1200 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच रिस्पॉन्स है, जो सिर्फ गेमिंग में ही वर्क करता है। बाकी इसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफी तगड़ी है एंड परफॉर्मेंस भी यहाँ पर आपको काफी तगड़ी मिल जाती है। इसमें स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट लगा है, जो आपको हाईएस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएगा और ये स्मार्टफोन टोटल 4 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। बैटरी के बारे में बात करें तो 4700mAh की बैटरी है और 80W का चार्जर आपको डिब्बे में मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। एंड्रॉइड 12 पर ये स्मार्टफोन आता है। IP52 का सर्टिफिकेशन है। स्टूडियो स्पीकर्स इसमें लगे हैं। 3.5mm का जैक नहीं है और ना ही आप लोग इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। अब बात करते हैं कैमरा की। तो इसके बैक में 64MP का OIS वाला कैमरा है, जिसमें सैमसंग GW1 का सेंसर लगा है और बाकी 8 और 2 MP के दो कैमरे हैं और फ्रंट में आपको 16MP की सेल्फी मिलेगी। इसके बैक कैमरे से आप 4K वीडियोस को 60fps पर रिकॉर्ड कर पाओगे। कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन काफी अच्छा परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसके 8/128 के लिए आपको पूरे 30,000 रुपए देने पड़ेंगे। सो गाइस, ये थे अभी के टाइम पर 30,000 के बजट में आने वाले 5 सबसे तगड़े स्मार्टफोन। अब आप लोग अपने बजट और पसंद के अकॉर्डिंग इन 5ों में से किसी भी एक स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। और यार, अगर मुझे इन 5ों में से कोई एक स्मार्टफोन परचेज करना होता, तो मैं परचेज करता iQOO Neo 6 को। आप
आप लोग किस स्मार्टफोन को परचेज करोगे आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब मैं आप लोगों को इन स्मार्टफोन के बारे में बताता हूँ जिन स्मार्टफोन को आप लोगों को परचेज करने से अवॉइड करना है। टेक्नो फैंटम एक्स, मोटो एच 20 प्रो, आईकू Z6 प्रो, रियलमी X7 प्रो, वीवो T1 प्रो, मी 11 एक्स, सैमसंग A52 और लास्ट है सैमसंग A33 5G। इन स्मार्टफोन को आप लोग अवॉइड कर सकते हो। तो भाई चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक जय वंदे मातरम।